हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस के 8415 पोस्ट पर किस किस का मेरिट बनेगा, कौन सेफ जोन में किन किन का मेरिट बन सकता है। देखिए, इसका फिजिकल समाप्त हो गया है, सभी को अपना स्कोर पता है। अगर आपको गर्दन विभाग में आपको अपना टाइमिंग नहीं पता तो आपके अपने ग्राउंड में आपका टाइमिंग पता होगा, लगभग उतना ही होता है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कौन सेफ जोन में और किसका 100% मेरिट बनेगा। साथ में पिछले साल का ऑफिशियल कट ऑफ भी देखेंगे कि पिछले साल क्या कट ऑफ रहा। तो मैं हूं किशोर और आपका स्वागत है हमारे पुलिस फोर्स एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रनिंग से सभी कोटे के पुरुषों के लिए। देखिए, यहाँ 1600 दौड़ना है आपको 6 मिनट के अंदर। अगर आप नंबर देख लें तो अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाते हैं, और 5 मिनट 20 सेकंड तक रहते हैं तो 40 अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 अंक प्राप्त होते हैं। वहीं अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक आते हैं तो 20 अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, आपका अगर 20 अंक भी ला रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो भी आपका मेरिट बन सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि 20 अंक में तो हमसे पास हो रहे हैं तो क्या हमारा मेरिट बनेगा? बिल्कुल मेरिट बनेगा अगर आपका नंबर हाई जंप और गोला फेंक में अच्छे नंबर है। अच्छा नंबर कहने का मतलब, देखिए, कई ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिनका रनिंग अच्छा नहीं होता लेकिन उनका हाई जंप और गोला फेंक अच्छा होता है। आपने खुद देखा होगा अपने ग्राउंड में ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो लगभग सभी कैंडिडेट 25 फीट गोला फेंक देते हैं शॉर्ट पुट में, ठीक है ना। तो ये उधर अगर आप 20 फीट फेंकते हैं तो आपको उधर 25 अंक मिल जाते हैं गोला फेंक में। हाई जंप में भी जिनका जंप अच्छा होता है तो उसमें भी वो बाजी मार जाते हैं, 5 फीट आराम से कूद जाते हैं तो वहाँ पे उनको 25 अंक मिल जाता है। यानी 25 अंक हाई जंप, 25 अंक गोला फेंक, यानी उनको 50 अंक उधर मिल जाते हैं और 20 अंक इधर, यानी पूरे 70 अंक। यानी 70 अंक आ गए अगर आप जनरल नहीं है, ओबीसी नहीं है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका 100% मेरिट बनेगा। अब देख लेते हैं अगर आपका रनिंग अच्छा है, जैसे कि आप 30 अंक इसमें उठा लेते हैं 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड, अगर यहाँ आप 30 अंक ले लेते हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका हाई जंप और गोला फेंक नॉर्मल है तो मेरिट बनेगा। 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप कर लेते हैं कंप्लीट 1600 और 40 अंक आप ले आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ऐसी बात नहीं है, 30 अंक जो ला रहे हैं वो भी सेफ जोन में है, लेकिन उनका हाई जंप और गोला फेंक थोड़ा ठीक होना चाहिए, है ना। अब गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स का भी वही है, अगर आप 20 अंक ला रहे हैं, अगर आपका गोला फेंक और हाई जंप अच्छा है तो आपका मेरिट बन सकता है। अगर आप जनरल और ओबीसी नहीं है तो 100% मेरिट बनेगा, ठीक है ना। और अगर आप 30 अंक ला रहे हैं, हल्का फल्का नॉर्मल है आपका हाई जंप और गोला फेंक, तो आप सेफ जोन में, और 40 अंक ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। देखिए, यहाँ पे 50 अंक वो ही ले पाता है लड़कों में, जिन जो आर्मी की तैयारी करता है वो पूरे महीने दौड़ते हैं, है ना। जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो बाजी में मार जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गोला फेंक का। गोला फेंक भी आपका 25 अंक का होता है। देखिए, इसमें तो आपको सभी को पता है, सब 25 अंक प्राप्त कर ही लेते हैं क्योंकि 20 फीट नॉर्मल होता है लड़कों को फेंकना, वो फेंक देते हैं। लड़कियां इसमें थोड़ा नहीं फेंक पाती हैं लेकिन प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। तो इसकी हम क्या बात करें, अगर आप 17 अंक ला रहे हैं, है ना, या 21 अंक ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, है ना। अगर आपका रनिंग अच्छा रहेगा तब आप 17 अंक ला रहे हैं गोला फेंक में, तब आपका सेफ जोन है, है ना। नहीं तो अगर आप रनिंग आपका ख़राब है, है ना, आप 30 अंक ला रहे हैं तो आपको यहाँ 21 अंक लाना जरूरी है। 21 अंक लाते हैं आप सेफ जोन में, और 25 फेंक दिए तो आपका बिल्कुल सेफ जोन में, यानी आपको यहाँ 25 अंक लाना जरूरी है। लड़कियों में भी वही है, अगर आप 21 या 25 अंक ला रहे हैं गोला फेंक में, और लाना भी चाहिए यार, ये एकदम नॉर्मल है, इसमें आना चाहिए, तो यहाँ पर आप सेफ जोन में अगर 21 और 25 अंक आ रहे हैं। अब बात कर देते हैं सभी कोटे के पुरुषों के लिए है ये हाई जंप, ठीक है ना। हाई जंप अगर आप 21 अंक ले रहे हैं, यानी 4 फीट 8 इंच कूद रहे हैं, जंप लग रहा है आपका, तो आपका सेफ जोन में है ना। और आप 25 अंक ले रहे हैं तो आप सो जाइए फिजिकल देने के बाद, आपका 100% मेरिट बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं सभी कोटे की महिलाओं के लिए, है ना। अगर आप 3 फीट 8 इंच कूद रहे हैं तो 21 अंक आपको मिल जा रहा है, और 21 अंक ये सेफ जोन में है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अगर आप 4 फीट कूद जाते हैं तो और अच्छी बात है, आप बेफिक्र रहें, आपका 100% मेरिट बनेगा। अब आपको पता लग गया, अगर आप ये स्कोर वहाँ करके आए हैं तो आपका 100% मेरिट में नाम आएगा। अब देख लेते हैं पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा, है ना, एक नज़र उसे भी देख लेते हैं।
ये पिछले साल का ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि 11,880 का भर्ती का कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि उस साल क्या कट ऑफ रहा था, यानी जनरल का आप देख सकते हैं 76 गया था मेल और फीमेल दोनों का, EWS 64 गया था मेल और फीमेल का। आप डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी कट ऑफ जारी किया जाता है ना। SC का देखेंगे तो 62 गया था और फीमेल में 54 गया था, और ST का 66 गया था और फीमेल में 64 गया था। EBC का कट ऑफ 66 गया था, 64 गया था फीमेल का। BC का 72 गया था मेल फीमेल दोनों का। BC वुमेन का 68 गया था, डेट ऑफ बर्थ आप देख लेंगे। फ्रीडम फाइटर का 54 है ना, जनरल में 54 था, EWS में 46 था। तो ये पिछले साल का कट ऑफ है, इतना कट ऑफ रहा था। देखिए पिछले साल टाइमिंग तो मिला था उनको भी, आपको भी टाइमिंग मिला है फिजिकल की तैयारी के लिए, लेकिन इस बार गर्मी में फिजिकल लिया गया है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे भी प्रभाव पड़ेगा है ना। इससे अधिक कट ऑफ तो नहीं जाने वाला, कम बेशक हो सकता है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका 8415 पोस्ट पर क्या कट ऑफ रहने वाला है। मैंने फीमेल और मेल दोनों पे ही कट ऑफ मैंने जारी किया था अलग अलग टाइम पे, दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अपना कट ऑफ कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।